कैसे हो आप लोग, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, मजे में हो कि नहीं हो। मैंने जो है अपना थोड़ा सा ग्रीन नेट हटा दिया है, पूरा तो देखिए मेरे बस का नहीं है क्योंकि यहाँ पर ना तार लगा रखा गया है और ये हाइट में हम पहुँच नहीं पाते। अपने बेटे से कहूंगी कि उसको खोल देगा तब मैं थोड़ा सा हटाने की कोशिश करूंगी। ये है कि इतना हटा दिया है तो हवा का फ्लो बन रहा है, नहीं तो अंदर जो था पानी की वजह से काफी ज्यादा मॉश मतलब ह्यूमिडिटी सी हो गई थी, बहुत गंदा सा मुझे फील हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा खोलते हैं, एकदम से भी डायरेक्ट प्लांट्स को धूप ना लगे तो ये खोल रहे हैं। और आज एक और काम है मेरे पास, है काम ये कि मुझे आम जरूर तोड़वाना है। एक्चुअली में जो हम लोग के आम है जो बिल्कुल पक गए हैं, पीले पीले हो गए हैं पेड़ में गुच्छे गुच्छे, अब क्या हो रहा है कि वो पके हुए जो आम है वो टपक रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में, और बेड के नीचे जो एरिया है वो सीमेंटेड है। अब जब पके हुए आम उस सीमेंटेड एरिया में गिर रहे हैं तो भच्च होकर पूरे फूट जा रहे हैं, बिल्कुल बेकार हो जा रहे हैं, किसी के खाने लायक नहीं रह रहे हैं, इतना तो है ही। और साथ में वो फर्श को बहुत गंदा कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये एक बार हो रहा है, ये दिन भर ही टपकते रह रहे हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि इसको तोड़वा लूँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको तोड़वा लेना चाहिए था पहले ही। आपके क्या हुआ ना, हस्बैंड भी लगातार हमारे ऑफिस जाने लगे और बाहर से कोई आदमी बुलवा नहीं सकते कि आम तोड़वा लें। वैसे हमारे हस्बैंड ही तोड़वा लेते हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, उनको बड़ा मजा आता है काम, ये सब काम करने में। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, घर में दो लोग हैं जिनको आम तोड़ने में बड़ी मजा आती है। बेटे को इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं आम तोड़ने में, बस ये है कि कभी मतलब वो देखा एक आध तोड़ के चले गए, ऐसा नहीं है वो कि बकायदा तोड़े। लेकिन हमारी बेटी और मेरे हस्बैंड बकायदा उसको लग्गी वगैरह बना करके बहुत बढ़िया लग्गी बनाते हैं और उसको तोड़ते हैं। बेटी तो पहले थी, अब तो चली गई है, अपने ससुराल चली गई है और काफी दूर चली गई है, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा बेटी की एक बात आपको और बताते हैं, वो पतली दुबली है, हाइट में तो मुझसे काफी लंबी है लेकिन है पतली दुबली। ये बैंक से आती थी, वो कितनी भी थकी हारी हो जब आम के पकने का समय होता था तो लग्गी लेकर के आम जरूर तोड़ती थी, उसको अपना एंटरटेनमेंट लगता था। कई बार हम उसको मना भी करते थे कि भाई देखो आम मत तोड़ो, थकी हुई हो आराम करो, लेकिन ना तोड़ेंगे। और काफी बड़ी लग्गी हैवी हो जाती थी क्योंकि आम पेड़ जो है काफी बड़ा है, ऊंचाई तक भी आम तोड़ने पड़ते हैं, तो वो मानती नहीं थी, वो पूरा मतलब ये तोड़ती थी। आज मैं सोचती हूँ पकड़ूंगी अपने बेटे को। अच्छा एक बात है, मेरा बेटा जो है ना वो मुझसे बड़ा अलर्ट रहता है, मुझसे और मेरे मोबाइल से। वो ये देखता है कहीं मम्मी शूट तो नहीं कर ले रही है उसकी। आम टूट करके आ गए हैं, इसमें कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं और कुछ टूटे हैं। फ्रेंड्स इसमें जो कच्चे वाले आम हैं इनका तो मैं अचार डाल दूंगी, और ये पके वाले आम हैं इसको कुछ दिन रख देंगे ताकि और अच्छे से पक जाए, इसका फिर आम पापड़ बनाएंगे। और ये जो टूटे हैं इसका हम लोग जो है चटनी बना करके फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी मिर्ची ले ली है, अंदाज से लिया है, उसको धो करके अच्छे से पोंछ लिया है, बारिश हो रही है इसलिए धूप में नहीं रख सकते हैं। मिर्ची की जो ऊपर की डंठल होती है ना इसको ज़रूर अच्छे से काट लीजिएगा, नहीं तो अचार यहीं से अधिकतर ख़राब हो जाता है। तो सब कुछ अंदाज से कर रहे हैं हम, बस दो दो टुकड़े में काटते चल रहे हैं। फ्रेंड्स आज जो है हम आपको बहुत ही झटपट बनने वाला आम का अचार बनाना बताएंगे, और अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं निकल रही है तब भी आप उसको अचार को बना सकते हैं। जब भी धूप निकले तो आप थोड़ा बहुत दिखा दीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं है। देखिए सबसे पहले तो ये जो आम की चोपी होती है ना इसको बहुत अच्छे से निकालिएगा, और आम का ये जो छिलका है इसको भी अच्छे से निकालिएगा। इसमें जो हरापन रहता है ना वो बिल्कुल भी ना रहे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सारे आमों को कद्दूकस कर ले रहे हैं, और कद्दूकस नहीं करना है तो छोटा छोटा भी काट सकते हैं। फ्रेंड्स आम का और ये जो मिर्ची का कॉम्बिनेशन बड़ा बढ़िया होता है, मिर्ची की कड़वाहट को बैलेंस करता है आम, आम की खट्टास बहुत अच्छा लगता है। कई लोग इसमें जो छोले वाले चने होते हैं ना उसको भी धो करके मिला देते हैं, लेकिन हम जो है केवल इन्हीं दोनों से बनाएंगे, बहुत बढ़िया बनता है। फ्रेंड्स चलिए आपको मसाला बता दें क्या पड़ेगा।
मसाले के लिए हमने ये जो छोटा वाला चम्मच घर में यूज़ होता है इसी को लिया है। आधा चम्मच काली सरसों है, आधी चम्मच धनिया है, इस जो मोटी वाली सौंफ है, ये मगरेल है, ये मेथी, सब आधा आधा चम्मच मैंने इसी के नाप से ले लिया है। हाफ टी स्पून पंच फोड़न मसाला है और ये एक चम्मच हमने इसका जो पीली सरसों है और ये मोटी वाली सौंफ आधी चम्मच है। और यहाँ पर जो है अंदाज से मैं हल्दी है, देगी लाल मिर्च है और ये जो नमक है इसको लूँगी। ये दोनों आप अपने हिसाब से रेशियो के हिसाब से मिला सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स वो नहीं है। साथ में एक कप केवल सरसों का तेल और थोड़ी सी हींग चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम भून लेते हैं अपना मसाला। पीली सरसों एक चम्मच जो थी और एक चम्मच जो मेरी मोटी वाली सौंफ थी, इसको ही केवल पीसना है और कुछ नहीं दोस्तों, केवल यही पीसना है। तो इसको हल्का सा मैं भून लेती हूँ ताकि जो उसका फ्लेवर है ना, खुशबू है, ये निकल आए। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये फ्रेंड्स, ये भून गया है, इसको पीस लेते हैं मिक्सी में। फ्रेंड्स चूँकि ये बहुत कम है इसलिए इसका पीसने में देखिए दिक्कत होगी, तो इसको जो है मैं थोड़ा सा नमक मिला दे रही हूँ। अंदाज से नमक मिला रहे हैं, जब अचार बनाएंगे तो उसमें नमक थोड़ा कम डाल देंगे। तो ये पीस लिया, महीन नहीं पीसा है, दरदरा दरदरा पीसा है। अब चलिए छौंक लगाती हूँ। छौंक के लिए मैंने सरसों का तेल एक कप, केवल एक कप में काम चलेगा। जब ये गर्म हो जाएगा तेल हमारा, तब हम इसमें मसाला डालना शुरू करेंगे। और बस ये जो आपकी काली सरसों है सबसे पहले ये डालते हैं, इसके बाद जो है ये जो मेथी वगैरह है ना इसको डालते हैं, क्योंकि इन सबको भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मेथी डाला, धनिया डाला, सौंफ डाला, जितना भी 1/4 चम्मच था ना, ये सब मैंने ऐसे करके डाल दिया है इसमें, ये देखिए। और ये मगरेल भी हो गया। ये सब जब भुन जाएंगे ना, देखिए गैस अगर बहुत तेज़ हो रही हो आँच ना इसकी, तो उसको बंद कर दीजिएगा, नहीं तो मसाले आपके जल जाएंगे। हमें हल्का सा बस सबको भून वो करना, तलना है, जलाना नहीं है, ये ध्यान रखना। तेल को अब थोड़ा हम बंद कर दिए हैं ताकि बहुत गर्म ना हो जाए, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब ये वाली हरी मिर्च हम डालेंगे इसमें। थोड़ा कंपेरेटिवली ठंडा हो जाए ये, लेकिन थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब जो है हरी मिर्च सबसे पहले मैं डाल देती हूँ हरी, और इसके बीच में मैं हींग डालना भूल गई थी, तो ये हींग डाल रहे हैं मैं। तेल हल्का सा गर्म है तो तेल भी वो हो जाएगा जा कर के तेल में। और ये हरी मिर्च डाल दिया, हरी मिर्च थोड़ी मोटी है ना, तो हल्के से गर्म तेल में जा कर के हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी ये। इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी पड़ेगा जिससे ये अचार ख़राब नहीं होगा। अभी जो मसाला पीसा था ना वो हमने मिक्स कर दिया है इसमें, और तेल बहुत हल्का सा गर्म है इसलिए सॉफ्ट हो जाएगी। फिर अंदाज से सब्जी में हम लोग धनिया डालते हैं ना, वैसे ही डाल रहे हैं। और नमक थोड़ा सोच के डालेंगे क्योंकि पहले मसाले में मैंने मिक्स कर दिया है। और देगी मिर्च से ना कलर बड़ा अच्छा आता है। देगी मिर्च अभी हमें थोड़ी कम लग रही है, बाद में मैं ऊपर से भी मिला लूँगी। अब बाद में ये है, ये मैं आम का ये जो मैंने कद्दूकस किया था इसको मिला देते हैं सारा। ये देखिए कद्दूकस कर लिया है, ये से मिल गया है। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा इसमें जा कर के। अब ये सीक्रेट इन्ग्रीडियंट वेनेगर, अब मेरे यहाँ तो यही वाला वेनेगर था सफ़ेद वाला, तो मैं केवल एक टेबल स्पून ये डाल रही हूँ। टीस्पून नहीं है, टेबल स्पून है फ्रेंड्स, एक। इससे जो है ना ये ख़राब नहीं होगा, इसमें जो है तेल की और सिरके की जो एक लेयर पड़ जाएगी इसमें, इससे ये ख़राब नहीं होगा। अभी ये थोड़ा सा गर्म है, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आप इसको शीशी में भर के रख लीजिएगा। और फ्रेंड्स ठंडा करके ही रखिएगा, और फिर जिस दिन धूप निकले उस दिन इसको धूप दिखाइएगा, और 3 दिन बाद आप इसको खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ्रेंड्स मैं ये डालने जा रही हूँ आम का पापड़ बनाने जा रहे हैं। और ये आम जो थे मैंने 3-4 दिन रख लिए थे, देखिए कितने पीले पीले हो गए हैं, अब इनको बस छील रहे हैं। इसमें भी 4-5 जितने आम पक गए थे मेरे उतने मैंने निकाल लिए हैं। ये इनको देखिए ऐसे सिंपली सा बाल जरूर बांध लीजिएगा, नहीं तो बाल बहुत तेज गिरते हैं इसमें। और इसको जो है बस मिक्सी में मैं पीस लूँगी, बहुत झटपट आम पापड़ बन जाता है। और ये पीस लिया, ये देखिए इतना सारा निकल आया है, मेरे 8 आम थे। यहाँ पर पैन गरम कर दिया है, गैस जला दिया है, गरम हो जाएगा तो बस ये मैं सब डाल दे रही हूँ इसमें। ये कुछ देर बाद जब ये खोलने लग जाएगा ना, तो हमें इसको तब चला लेना है इसको। ये ऐसे बस
चलाना बहुत ज़रूरी है इसको। इसमें आप अगर खट्टा आपके यहाँ हो तो चीनी भी मिला सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो इसमें। बहुत लोग इसमें इलायची वगैरह भी डाल देते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल सिंपल रखते हैं, क्योंकि जो चीज़ ओरिजिनल फ्लेवर जिसका हो वही आए। तो यहाँ पर बस ये इसको चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि नीचे से ये पकड़े नहीं। थोड़ी देर बाद देखिए 5 ही 10 मिनट बाद ये गाढ़ा होने लगता है। इस तरीके से चलाते रहिएगा, जब देखिए ये पैन जो है छोड़ने लग जाए ना, तो इसका मतलब ये रेडी हो गया है डलने के लिए। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब गैस बंद कर देते हैं, मेरा तो लगता है इसका काम हो गया है। अब चलिए थाली ग्रीस कर लिया जाए, सिंपल रिफाइंड ऑयल या देसी घी कुछ भी डाल करके हल्का सा कर लें। इससे क्या होता है ना, आम पापड़ चिपकता नहीं है थाली में। बस इसके बाद जितना भी ये जो इसका ये है रस ना, इसको डाल देते हैं। देखिए गाढ़ा गाढ़ा है तो ये इसमें मतलब आराम से फैल जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर सीज़न में ज़्यादा आपके यहाँ पानी बरस रहा हो, थोड़ी पतली लेयर करिएगा। हमारे यहाँ आज जो मैं बना रही हूँ तो थोड़ी सी धूप निकल आई है, तो इसको मैं जो हूँ अब धूप में जाकर डाल दूँगी। नहीं तो अगर पतली लेयर डालोगे ना तो ये पंखे की हवा में भी सूख जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दोस्तों ये देखिए मेरा नेक्स्ट डे का है ये सीन। देखिए आम पापड़ काफ़ी मेरा हो गया है, ये देखिए खूब आराम से निकल भी रहा है। ये आपके साथ मैंने डाला था, आराम से वो निकल आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको जो है आप पूरी तरीके से 2-3 दिन दिखा करके इसको स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट डिब्बे में। 3-4 महीने आराम से खाया जाता है। इसको मैं पलट दे रही हूँ अब धूप में, और भी मेरे रेडी हो गए हैं ये देखिए सब। तो दोस्तों ये देखिए फिर से मेरा बेटा आम तोड़ के ले आया है। मैं लेटी हुई हूँ तो मेरे ऊपर हमें दिखलाल चबा रहा है इससे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, बाय बाय।